हेलो एवरीवन, हम अकॉर्डिंग टू ऑल वेलकम टू माय व्लॉग चैनल नीलम भानु प्रताप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम भानु प्रताप पे। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैं ना के एकदम लहरिया पहन के रेडी हो चुकी हूँ। तो जैसे कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं डेली शिव जी की पूजा करती हूँ, तो वही मुझे पूजा आज भी करनी है, अपनी रूटीन वाली पूजा। और सोमवार भी है। वैसे मैंने नॉर्मली मैं पहले व्रत करती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़। तो मैंने व्रत तो नहीं किया है, लेकिन मैं पूजा जो अपनी वो रोज वाली करूँगी। और ये मैंने एकदम नया लेरे का सूट पहना है, मतलब ये जितने भी मैं सूट पहन रही हूँ इस बार लेरे के, वो सारे मेरे लास्ट ईयर के। मैंने साल जो कुछ भी न्यू स्टिच नहीं करवाया है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा पहला सावन था तो मैं पीहर थी, तो वहाँ मैं रेगुलर में कुछ भी एक दिन भी, मैं सिर्फ तीज के दिन लहरिया पहना था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं पहना। सारे सिलाई हुए जो सिंजारे पे आए थे या मम्मी ने जो दिए थे, वैसे कि ऐसे ही न्यू पड़े हैं। इस बार जो है मैं वो पहन रही हूँ, तो न्यू पहनने का तो कोई सेंस ही नहीं था, क्योंकि पहले वाले मैंने नहीं पहन पाई थी मैं, तो बस अब वो इस साल पहन रही हूँ सारे। अगर कोई न्यू डिज़ाइन आती है जो मुझे पसंद आती है तो मैं सिलवा लूँगी। बाकी चल रहा है सब पहले का, और अभी बस पूजा करनी है, फिर मैं अपने पीहर जाऊँगी और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। तो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो व्यूज़ दीजिए वीडियो पर, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है, 43K होने वाले हैं, लेकिन व्यूज़ जो है 10K भी नहीं पहुँच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके छोड़ दिया है वो वीडियोज़ भी देंगे, और कमेंट में बताया कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और आपको क्या न्यू कंटेंट चाहिए, मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हाँ पूसा, राधे राधे, चैन को लाग रहे मेरा सूट ले रहे। A few moments later. आप कह रहे थे ना चला जा। तो अब हमारे बाबू जाने की तैयारी कर रहे हैं, नीलम बैग पैक कर रही है बाबू के। बाबू कब से कह रहे हैं जाने के लिए? तो बाबू कहीं चाला की गाँव कहीं कह रहे हो गाँव यार? खुला मैं आऊंगा त्योहार पे, मैं आऊं त्योहार पे। पगे लाग रही बाबू नहीं चपला चप्पल है ना, नहीं चपला पहन जाओ। अरे बे ले बाजू ठाको गिपट है, ले जाओगी मैं चपला कहीं गए ले जाओ हैं अटे भाई मैं पास में जाना मन बैल ना पे हम उसको मुंह पहने नहीं देंगे, फिर इधर देंगे। हां हां इन लोगों रख देंगे, क्या मतलब है? चला चलो अब मैं जा रहा हूँ बाबू को बिठाने, बाबू का बैग लेके। हेलो हमारी
बाबू नहीं बोले गांव जाऊं गांव जाऊं मैं तो मना कर रहा बाबू ना काय काय रो जा है हूं हाथ में मत कर मना नहीं कर बाय बाय कर दो मैं उठ लेकर कर ओ बाय बाय कर दो ओ जल्दी मिलना बोल दो जल्दी मिलना बोल दो जल्दी मिलना सुनिए बना तो आज शिनू के रियल मॉम डैड से मिलके गए थे और अभी देखिए पापा ने शिनू का जो डॉग है शिनू का खिलौने वाला कुत्ता है इसके खाने के सामने रखा है। शिनू देख वे ले शिनू शिनू ओए तो अब बज चुके रात की 9 और जैसा कि आपने आज देखा आज बाबू जो है वो गांव चले गए हैं। हम नहीं भेजना चाहते बाबू को गांव क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास रहें काफ़ी मतलब हमारे साथ रहते हैं बाबू तो हमारा भी एंटरटेनमेंट होता है और मतलब हमारे साथ ऐसा लगता है कि अच्छा है कि मतलब बाबू की बातें वगैरह हैं तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बाबू से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करना और बाबू के साथ बैठ के बातें करना वगैरह। लेकिन बाबू को जो है वो गाँव ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मतलब स्टार्टिंग से गाँव में रहे हैं और गाँव की ही चीज़ें उनको पसंद है। उनको गाँव में घूमना मिलता है। यहाँ क्या है किशनगढ़ में रहते हैं तो हमारे यहाँ बाहर कहीं जाते नहीं हैं घर के घर में रहते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उनको वो अपना स्पेस नहीं मिल पाता। गाँव में बोलने वाले हैं उनके पास काफ़ी लोग हैं गाँव के आस पड़ोसी मेरे दादी साहब बड़े दादी साहब वगैरह सब आसपास रहते हैं तो वहाँ अच्छे से वो बोल पाते हैं सब कुछ आराम से रह पाते हैं। यहाँ आपको पता है सिटीज़ में आपस में पड़ोसी भी बहुत कम बात करते हैं तो उस हिसाब से बाबू यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं इसीलिए बाबू जा चुके हैं गांव। और आज आपने देखा शीनू के जो रियल जिन्होंने रियल मॉम डैड थे वो आए थे मीन्स जिन्होंने लिया था शीनू को वो भैया आए थे बना जो है वो एयरफोर्स में है उसी की वजह से उन्होंने मुझे शीनू को दिया क्योंकि उनके पास 4 साल तक शिनचैन रहा था तो लेकिन वो बता रहे थे कि उनके साथ प्रॉब्लम ये थी क्योंकि उनकी पोस्टिंग जो थी कभी मतलब राजस्थान से मोस्टली बाहर ही रहती कभी श्रीनगर कभी लद्दाख कभी कोयम्बटूर तो उनको उनका उसको ले जाना पड़ता लाना पड़ता ये उनको बहुत मतलब भारी पड़ता था भारी इन सेंस उनके लिए बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उसको फर्स्ट एसी में लेकर आना पड़ता था ट्रेन में बाय फ्लाइट ला नहीं सकते थे उसको और वो आता था उसमें बीमार हो जाता था कई बार तो ये प्रॉब्लम होती थी उनके साथ में तो वो बोले कि मैंने इतने साल तक रख लिया बना लेकिन मैं अभी तक भी इसको लेके कम्फर्टेबल नहीं हो पाया क्योंकि ये कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ऐसा होता है तो फिर उन्होंने मुझे बताया और जो उनका छोटा ब्रदर है वो मेरा साथ स्कूल नवोदय में पढ़ा हुआ है साथ में मैं नवोदय में रहता था तो वो मेरा जूनियर था तो उन्होंने बताया तो मैंने कहा चलो ठीक है हमारे को पग चाहिए था और उन्होंने हमें दे दिया तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और उनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। मैं खुद पहली बार मिला उनसे इस बार तो काफ़ी अच्छा लगा और हम उसके बीच में वीडियोज़ नहीं बना पाए क्योंकि हम बातों में रह गए हमें वीडियो का याद नहीं आया तो थोड़ा बहुत ही हमने क्लिप डाली है। तो अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और देखते रहिए मेरी हमारे चैनल वीडियोस ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस पे तो और हम क्या वीडियोस बनाएं वो आप बताएं हमें तो हम और भी अच्छा ट्राई करेंगे कुछ नया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टाटा बाय बाय। It gets confusing when you say you love me and you say that we're just friends.